नमस्ते। मैं योगाचार्य गौरव और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल योगा विद गौरव सैनी में। मित्रों, योग के बारे में तो हम आपको जानकारी देते ही हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे विशेष प्राणायाम के बारे में जानकारी देंगे जो कि हर एक व्याधि में आपको कोई परेशानी है, प्रॉब्लम है, उसमें एक रामबाण की तरह काम करता है, जिसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसका नाम तो आपने पहले भी सुना होगा। ये प्राणायाम एक अमृत तुल्य प्राणायाम है। इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं, लेकिन ये नाड़ी शोधन प्राणायाम तब बनता है जब आप श्वास को लेने की, छोड़ने की और उसको रोकने की प्रक्रिया को एक प्रॉपर रेशियो में, प्रॉपर अनुपात में करते हैं, तब ये नाड़ी शोधन प्राणायाम बनता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम में आप एक पहले नोस्टल से सांस लेते हैं, फिर दूसरे से छोड़ते हैं, फिर दूसरे से लेते हैं वापस और पहले से छोड़ते हैं। ये इसकी क्रिया है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, आप कुछ भी नहीं करते हैं और केवल आप ये अनुलोम विलोम प्राणायाम 15 मिनट रोज 15 मिनट करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होंगे। जैसे अगर आपको अनिद्रा की प्रॉब्लम है, इंसोमेनिया की आपको प्रॉब्लम है, आपको नींद नहीं आती है, आपको आंखों का विजन कम हो रहा है, ठीक है, दिखाई देने में आपको कुछ परेशानी आ रही है देखने में, तो उसमें भी ये प्राणायाम काफ़ी ज़्यादा लाभ देता है। और आपको एंजाइटी, तनाव, ठीक है, एकाग्रता की कमी, आपको कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना है, तो उन सब में भी ये प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा लाभ देने वाला है। आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है कुछ भी, किसी को भी, तो उन सब में भी ये प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा। अगर आप कुछ भी नहीं करें और यही प्राणायाम करें तो आपको सर से लेके पांव तक आपको इसके बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होंगे। तो कुछ लोग इसको करते कैसे हैं, ठीक है, कुछ लोग इसको करने में गलती करते हैं। क्या करते हैं वो लोग कि आपने अपना जो लेफ्ट साइड है उससे सांस लिया और राइट से छोड़ दिया, फिर वापस आपने लेफ्ट से लिया और राइट से छोड़ दिया। ये गलत तरीका है। इसको हम लोग, अगर आप लेफ्ट से लेते हैं फिर राइट से छोड़ते हैं और वापस लेफ्ट से लेके राइट से ही छोड़ते हैं, इसको चंद्रभेदी प्राणायाम बोलते हैं। ठीक है, ये एक गर्मियों का प्राणायाम है, लेकिन कुछ लोग इसको ही अनुलोम विलोम मान के करते हैं जो कि गलत है। अनुलोम विलोम प्राणायाम में आप क्या करते हैं, आप देख लीजिए एक बार, पहले आपका जो राइट हैंड का थंब है उससे राइट नोस्टल को बंद करेंगे। जो हमारा लेफ्ट साइड है वो चंद्र नाड़ी का प्रतीक है और जो राइट साइड है वो सूर्य नाड़ी का प्रतीक है। और जब हम लोग ये प्राणायाम शुरू करते हैं तो वो लेफ्ट साइड से, जो हमारी चंद्र नाड़ी है उसी से शुरू करते हैं। राइट नोस्टल को बंद किया राइट हैंड से, लेफ्ट नोस्टल से श्वास लिया, आप ये दोनों फिंगर ऐसे फोल्ड कर सकते हैं और अंगूठे से राइट नोस्टल को बंद किया, लेफ्ट से श्वास लिया, लेफ्ट को बंद करेंगे राइट से श्वास छोड़ेंगे, राइट से श्वास लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, वापिस लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे और लेफ्ट से छोड़ देंगे। इस प्राणायाम के हमने अभी 2 राउंड किए, लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है, एक तो आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे और दूसरा, अगर आप श्वास लेते हुए आप पूरा ध्यान अपने श्वास पे लगाएंगे, लेने और छोड़ने के क्रम पे पूरा फोकस रखेंगे, तो जो प्राणायाम के लाभ है वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि हम लोग 24 आवर्स में हम लोग अपनी जो श्वास है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, लेकिन इस प्राणायाम करते हुए अगर आप अपनी जो श्वास है, ब्रेथ है, उसके ऊपर फोकस करते हैं तो
तो निश्चित ही आपको बहुत ही ज्यादा लाभ प्राप्त होंगे। और इस प्राणायाम को हम लोग काउंटिंग के साथ भी करते हैं। काउंटिंग के साथ कैसे करते हैं, देखिए कि जब आप राइट नोस्टल बंद करेंगे तो लेफ्ट से श्वास लेते वक्त आपको 10 काउंटिंग करना है अपने माइंड में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और फिर राइट से श्वास छोड़ना है। काउंटिंग के साथ ही मन में माइंड में काउंटिंग करनी है आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर वापस श्वास लेते हुए 10 काउंटिंग करेंगे। राइट से श्वास लेना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और फिर लेफ्ट से श्वास छोड़ना है काउंटिंग के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। काउंटिंग करने से आपको क्या फायदा होगा? काउंटिंग करने से सबसे बड़ा फायदा आपका ये होगा कि आपका पूरा ध्यान आपकी श्वास के ऊपर रहेगा। अगर आप काउंटिंग को भी इसमें जोड़ते हैं तो मित्रों, अगर आप किसी को बैड रेस्ट है, नहीं उठ पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, कुछ और काम नहीं कर पाते, कुछ फिजिकल मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, तो वो केवल अगर यही प्राणायाम रोज मिनिमम 15 मिनट करते हैं तो उनको उनकी जो प्रॉब्लम है उसमें अचूक लाभ होगा। आपका माइंड फ्रेश होगा, आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी डाउन होगा और बच्चों के लिए भी ये प्राणायाम काफ़ी ज़्यादा लाभ प्राप्त करता है उनके कंसंट्रेशन पावर में, मेमोरी को इंक्रीज करने में। तो आप स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। इसी के साथ धन्यवाद।